दिस इज संध्या एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा पार्सल आ चुका है, तो मिलकर अनबॉक्स करेंगे। इट्स लॉट्स ऑफ फन। ये मेरा पहला पार्सल और ये क्या जल्दबाजी में मेरे से काम खराब होना ही है। खैर पहला एंड ये दूसरा, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो पहले कौन सा अनबॉक्स किया जाए, चलो अकड़ बकड़ कर लेते हैं। तो अकड़ बकड़ में वो 80-90 पूरे सब। तो चलिए सेकेंड पार्सल पहले अनबॉक्स करते हैं। यार आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। तो मैंने मंगाया था कॉरी सेल जो मुझे पड़े हैं 122 में, जिसमें 300 पीसेस हैं। और क्या हो गया यार, यार ऐसी पैकिंग कौन करता है भला। मीशो के प्रोडक्ट तो सस्ते और अच्छे होते हैं, बट पैकिंग आप देख ही लीजिए। टोटल 3 पैकेट है, पहला मल्टी कलर कॉरी सेल एंड सेकंड पूरा वाइट है, एंड थर्ड में हल्के कलर के मल्टी कलर। तो चलो काउंट करके देख लेते हैं 300 पीसेस है या मीशो ने मुझे ठग लिया। तो 1 2 3 4 गिनती करते करते ना ये इरीटेट हो जाऊंगी ऐसे में। और मैंने ऑफ कैमरा काउंट कर लिया है, बस मैं कैमरे के सामने थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो एंड गाइस मैंने ये काउंट किया, तो इसमें मैं खुश हुई क्योंकि इसमें 2 पीसेस एक्स्ट्रा निकले मुझे। 1 पीसेस में ही नहीं बल्कि इसमें से 3 एक्स्ट्रा मल्टी कलर में जो हल्के वाले थे उसमें भी निकले। इनफैक्ट टोटल मुझे 10 पीसेस फालतू मिले हैं, एंड लिटरली ये कभी कभी हो जाता है। तो हो गया है, तो आज ये 300 पीसेस की जगह 310 मुझे मिला है। तो ये हो गया, अब टर्न आती है पहले पार्सल की अनबॉक्स करने की। तो मैंने ये मंगाया था 2007 ग्लू, और ये मैं काफ़ी टाइम से ऑर्डर करने के लिए सोच रही थी। फाइनली अब मैं 15 वाले फेविबॉन्ड का यूज़ कम करूँगी। और ये ऑनलाइन मैंने देखा तो एक सिंगल पीस मुझे पड़ रहा था 117 एंड डबल पीस मुझे पड़ रहा था 158। तो मैंने सोचा क्यों ना डबल मंगा लीजिए, मेरा फ़ायदा भी है, क्यों है ना। चलो कमेंट में बताओ तो मेरा फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेरा नुकसान हो गया। छोटू से पार्सल में है मिरर किट फॉर क्राफ्टिंग, अनबॉक्स करते हैं। इसमें वाओ, इसमें एक ग्लू भी फ्री दिया है, और ये मुझे पड़े थे 110 के, जो टोटल 1100 पीसेस हैं। 6 मल्टी डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट डिज़ाइन के 6, मतलब किट भी मुझे बहुत पसंद आया। तो ये प्रोडक्ट भी मैं सारे, मतलब कॉरी शेल, ये ग्लू और ये मिरर किट, और मैंने ज्वेलरी मेकिंग किट भी मंगाया, चलो उसे भी अनबॉक्स करते हैं। तो ये रहा मेरी ज्वेलरी मेकिंग किट, इसमें बहुत सारे, मतलब ये मुझे शायद आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी वो भी शायद 130 और 140 के, मतलब अंडर 150 के अंडर ही था। तो ये इसमें इयरिंग हुक, इयरिंग स्टॉप, रबर स्टॉपर, आई पिन, बहुत सारे मटेरियल इसमें मिले थे मुझे। तो ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगे, और इससे मैंने बहुत सारे DIYs बनाए भी हैं। अगर आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देखो। मैं ये सारे प्रोडक्ट रखने वाली हूँ, किसी को मैं रिटर्न नहीं करने वाली। तो ये मीशो का मुझे सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे, अफोर्डेबल लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, और मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, नेक्स्ट DIY के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।